इसी में 3 दिन ही G20 की मीटिंग के लिए डेलीगेशन यहां पहुंच चुका है। अभी से कुछ देर पहले वाराणसी के ताज होटल में जो G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं वो यहां पहुंचे हैं। अब वो थोड़ी देर विश्राम करेंगे और इसके बाद नमो घाट पर क्रूज में सवार होकर गंगा आरती देखेंगे। बता दें कि यहाँ 11 से लेकर 13 जून के बीच में जो G20 देश हैं और जो इसमें विशेष आमंत्रित देश हैं उनके डेवलपमेंट मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठक करेंगे और विश्व में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा करेंगे, खास तौर से जलवायु परिवर्तन, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, सतत विकास, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स यहां पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर उन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का G20 देशों के प्रतिनिधियों का ग्रैंड वेलकम किया गया। काशी की परंपरा के अनुसार उनके माथे पर तिलक चंदन लगाकर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। फिर उसके बाद जब होटल पहुंचे डेवलपमेंट मिनिस्टर्स तो वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। होटल में भी पारंपरिक नृत्यों, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूल की वर्षा कर डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का स्वागत किया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि करीब इस बैठक में शामिल होने के लिए G20 देशों के करीब 200 प्रतिनिधि वाराणसी पहुंचे हैं, जो अब यहां पर पहले वो काशी की झलक निहारने के लिए, काशी के गंगा घाटों का सौंदर्य निहारने के लिए यहां से नमो घाट जाएंगे और नमो घाट पर क्रूज में सवार होकर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और वहां पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को निहारेंगे। वहां से लौटने के बाद यहीं होटल ताज में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए एक डिनर रखा गया है जिसको कि होस्ट करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और फिर रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह जो G20 देशों की मीटिंग होनी है, बायलेटरल चर्चा होनी है, उसके लिए ये जो G20 देशों के मेहमान हैं वो TFC पहुंचेंगे, ट्रेस फैसिलिटेशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर 2 सेशंस में ये मीटिंग होनी है, उसको मीटिंग्स को ये अटेंड करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। उसके बाद रात्रि में G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की ओर से एक डिनर आयोजित किया जाएगा और परसों जो ये G20 देशों के जो विदेशी मेहमान हैं ये सारनाथ घूमने जाएंगे और उसके बाद ये अपने अपने देशों के लिए वाराणसी से पहले दिल्ली और फिर अपने अपने देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कह सकते हैं काशी में जो G20 देशों के मेहमान हैं उनके ग्रैंड वेलकम के लिए जो तैयारियां की जा रही थी उसको हूबहू उसी तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम किया और यहाँ पर जो अतिथि थे वो इतने ज़्यादा उससे उत्साहित नज़र आए, ये जो ग्रैंड वेलकम किया गया, जो स्वागत सत्कार किया गया उससे वो उनके अंदर इतना अच्छा भाव उनके उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कई जगहों पर थैंक यू और बहुत सारे आभार प्रकट करते हुए शब्द बोलकर अपना आभार जताया। मतलब कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो विदेशी मेहमान आए वो अपने स्वागत से अभिभूत हो गए और उन्होंने तालियां बजाकर और जो स्वागत का तरीका था, मतलब हाथ उठाकर नमस्ते कर उसके लिए आभार जताया। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।